अलीराजपुर के सोंडवा सिक्का कांड या कहें गुजरात के नवसारी सोना सिक्का कांड को लेकर एक नई अपडेट सामने आई है। आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से नवसारी पुलिस ने बेजड़ा गांव के अलीराजपुर के बेजड़ा गांव के चार लोगों को हिरासत में लिया था, जिनका नाम था रमकूबाई, राजू, राजू की पत्नी बजारी बाई और मुकेश। इन सबको पुलिस लेके गई थी और उसके बाद पुलिस पूछताछ के बाद इनको लेकर आई थी। रमकूबाई के घर से चार क्वाइन बरामद किए थे और राजू के घर से 195 सोने के सिक्के, जो कि ब्रिटिश काल के हैं, 1962 में वो प्रिंट हुए थे, चार्ज पंचम जो ब्रिटेन के राजा थे उनके दौर के वो सिक्के थे। इसमें सबसे ताज़ा अपडेट ये है कि नवसारी की अदालत ने इस मामले में तीन लोगों को जमानत दे दी है। रमकूबाई को जमानत मिल गई है। रमकूबाई जमानत के बाद छूटकर घर आ गई हैं, बेजड़ा गांव आ गई हैं, और जमानत तो राजू और उनकी पत्नी बजारी की भी हो गई थी, लेकिन जमानतदार की चूँकि गुजरात में व्यवस्था नहीं थी उनके पास, इसलिए वो कल छूटे हैं और उनकी भी जमानत हो गई है। मुकेश को पुलिस रिमांड में लिया हुआ है, उसके कुछ दिन शेष हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि मुकेश की भी जमानत हो जाएगी, क्योंकि मुकेश के पास रिकवरी नहीं है, रिकवरी ज़्यादा नहीं होना है, पुलिस पूछताछ कर रही है। इसके पहले नाबालिग बच्चा मानकर जो रमकूबाई का था दिनेश, उसको पहले ही जमानत दे दी गई थी। तो ये सबसे ताज़ा अपडेट है इस मामले में। और जमानत के दौरान जो वकील हैं डिफेंस के, जो इनके डिफेंस के ओर से लड़ रहे थे रमकूबाई, राजू, इन्होंने यही तर्क दिया कि रिकवरी हो चुकी है क्वाइन की जो आरोप लगाए गए थे, तो फिर इनकी आवश्यकता क्यों है। दूसरा, यहाँ पे भी ये विक्टिम बने थे, सोंडवा में FIR हुई थी इनकी ओर से, उसका भी उल्लेख किया गया। इसके बाद उनको जमानत मिल गई है, ये इस कांड में सबसे बड़ी खबर है। इसके पहले आपको बता दें कि जो सोंडवा में FIR हुई थी 21 जुलाई को, उस मामले में अभी तक जो गिरफ्तार पुलिसकर्मी हैं तत्कालीन TI विजय देवड़ा और तीन अन्य पुलिसकर्मी, वो मध्य प्रदेश की जेल में हैं, उनको जमानत नहीं मिली है। और अब गुजरात की नवसारी पुलिस किसी भी वक्त अलीराजपुर आएगी और यहाँ कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड की मांग करेगी। ट्रांजिट रिमांड क्या होता है? जब भी किसी दूसरे राज्य में पूछताछ के लिए गिरफ्तार आरोपी की या जो जेल में आरोपी है उसकी आवश्यकता होती है, तो वो कोर्ट में आवेदन लगाकर ट्रांजिट रिमांड मांगती है कि हमें पूछताछ के लिए ज़रूरत है, और वहाँ हम पूछताछ करेंगे और स्थानीय न्यायालय में पेश करेंगे, और फिर वहाँ हमारी पूछताछ पूरी होने पर हम आपको फिर से यहाँ पर हैंडओवर कर देंगे जेल प्रशासन को न्यायालय के आदेश से। ये ट्रांजिट रिमांड होती है, डिमांड होती है। तो ये प्रक्रिया अब नवसारी पुलिस करने की तैयारी में है। तो ये जो सबसे ताज़ा अपडेट था, कई लोग हमसे व्हाट्सएप पर पूछ रहे थे कि इसमें क्या अपडेट है, नवसारी में क्या हुआ, वो अपडेट हमने आपको दी। अब ये पूरा मामला है, ये उलझा हुआ है, क्योंकि अभी नवसारी पुलिस का ये कहना है कि उनको तमाम वो सिक्के बरामद करने हैं जो पुलिसकर्मियों के द्वारा कथित तौर पे जो उन पर आरोप है उनके द्वारा चुराए गए हैं या लूटे गए हैं। अब इस पूरे मामले में फिलहाल नवसारी पुलिस उस मुद्दे पर खामोश है जिसमें उन्होंने अलीराजपुर के रहने वाले और उमराली में दुकान करने वाले सोने चांदी के किसी व्यापारी को उठाया था। क्या उससे कोई रिकवरी हुई, क्या उसे हिरासत में रिकॉर्ड में लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है या नहीं, या कथित तौर पर उसे छोड़ दिया गया है, इस बारे में अभी नवसारी पुलिस खामोश है, कोई भी अपडेट नहीं आया है। जैसे ही कोई अपडेट आता वो भी हम आपको बताएंगे। इस केस में अभी तक हम 22 वीडियो बना चुके हैं, ये 23वां वीडियो है। लगातार हम इस केस को फॉलो कर रहे हैं, आगे भी आपके लिए करते रहेंगे। बने रहिएगा आप CB लाइव के साथ। चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल तो देखते हैं, खबरें तो देखते हैं व्हाट्सएप ग्रुपों में जाके, फेसबुक पे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, सीधे डायरेक्ट नोटिफिकेशन के जरिए खबरें देखिए।